भारत विविधताओं और अद्भुत घटनाओं का देश है। भारत की विविधता इसकी सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ ढेर सारी संस्कृतियों का समुच्चय है। इसकी सभ्यता का पूरा विश्व कायल था, है और रहेगा। दुनिया के अनेक विद्वानों ने इस विविधता का अध्ययन किया है और यह हकीकत है कि भारत की सभ्यता बची है तो इसी विविधता की वजह से। यहाँ कुछ रहस्य मानव निर्मित है तो कुछ प्राकृतिक, जो कभी डराते हैं तो कभी हैरान कर देते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्होंने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक राज्य हैं, अनेक भाषाओं और अनेक संस्कृतियाँ हैं। हर राज्य का अपना एक खान पान है, अपनी वेशभूषा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने सीता माता को वापस लाने के लिए रामेश्वरम से श्रीलंका तक एक पुल का निर्माण किया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। वैज्ञानिकों को भी यह जानकर हैरानी होती है कि इस पुल के पास पाए जाने वाले पत्थर पानी में तैरते हैं। ये पत्थर साधारण पत्थरों जैसे दिखते हैं, लेकिन पानी में डालने पर ये डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। ये चट्टाने अभी भी अपनी पौराणिक कथाओं और रहस्यवाद के साथ लोगों को चकित करती है। ये चट्टाने कई लोगों के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व भी रखती है, क्योंकि वे रामायण की पौराणिक घटनाओं से जुड़ी है। इन चट्टानों को पानी पर तैरते देखना जीवन भर का अनुभव है, चाहे आप किसी भी व्याख्या पर विश्वास करें। अब तक वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाए हैं कि ये पत्थर तैरते क्यों हैं। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित एक विशाल चट्टान, जिसे कृष्ण का मक्खन मटका कहा जाता है, जो एक ढलान पर स्थित खड़ी है। 6 मीटर ऊंची और 5 मीटर चौड़ी इस चट्टान का वजन 250 टन है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह चट्टान पिछले 1200 वर्षों से यहां ढलान पर स्थित है। अंग्रेजी हुकूमत ने इस चट्टान को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन वे इसे हिला भी नहीं सके। यह अब भी उसी स्थान पर है और यह रहस्य बना हुआ है कि इतनी विशाल चट्टान ढलान पर किस तरह स्थिर रह सकती है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। वर्तमान समय में विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि 4 फीट के बेस पर यह 250 टन का पत्थर कैसे टिका हुआ है। कुछ लोगों का दावा है कि पत्थर के न लुढ़कने की वजह घर्षण और गुरुत्वाकर्षण है। दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब चीजें हैं जिन पर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च करते रहते हैं। कई घटनाएं और वस्तुएं साइंटिस्ट के लिए चुनौती बनी हुई है। इन घटनाओं और रहस्यों को विज्ञान अब तक नहीं सुलझा पाया है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ वीरभद्र मंदिर में अद्भुत वास्तुकला के साथ लटकते खम्भे देखने को मिलते हैं। मंदिर के 70 खम्भों में से एक खम्भा जमीन को नहीं छूता है। लोग इस खम्भे के नीचे से गुजरकर आशीर्वाद भी लेने का विश्वास करते हैं। यह रहस्य भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है। इस मंदिर का नाम है लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में इष्ट देव भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र हैं। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरात्केश्वर की मौजूद हैं। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। असम एक ऐसी जगह है जो आपको कई मायनों में आश्चर्यचकित कर देगी। दिमाहासो जिले के पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। असम के आसपास की कई उन कहानियों में से जतिंगा उन स्थानों में से एक है जहां हर साल मानसून के अंत में रहस्यमयी घटनाएं सामने आती है। हर साल सितंबर की शुरुआत के साथ ही आमतौर पर छिपा रहने वाला जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण चर्चा में आ जाता है। यहां न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी पर अगर इस दौरान पहुंच जाए तो वे खुदकुशी कर लेते हैं। जतिंगा गांव को इसी कारण से काफी रहस्यमयी माना जाता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफी पड़ताल की कोशिश भी की कि आखिर क्या वजह है जो एक खास मौसम में और एक खास जगह पर पक्षियों को ऐसा करने के लिए उकसाती है।
केरल के मल्लपुरम जिले के कौडिनी गांव को भारत का जुड़वा बच्चों का गांव कहा जाता है। इस छोटे से गांव में आश्चर्यजनक रूप से जुड़वा बच्चों की जन्म दर सामान्य से कई अधिक है। यहां हर 1000 प्रसवों में 42 से 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं दुनिया के काफी हिस्सों में औसतन 1000 प्रसवों में 6 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस गांव को जुड़वा बच्चों की भूमि या ट्वीन टाउन के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के पीछे कई सिद्धांत और किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ के पानी में रहस्यमयी शक्तियां हैं। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षेत्र के पानी में कुछ रसायनों की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका है। भारत में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें भूतिया घोषित किया गया है। ऐसा ही एक किला राजस्थान में है जिसे भूतों का घर भी कहा जाता है। अलवर का भानगढ़ किला रहस्यमय और भूतिया माना जाता है। इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पूरी तरह से रहस्य से भरा है। यहाँ की कहानियों के अनुसार यह किला निर्जन जगह पर स्थित है और यहाँ ऐसा मान्य गतिविधियाँ देखी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ चेतावनी बोर्ड भी लगा रखा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां भी प्रचलित है। तो ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जो भारत के रहस्यमयी और अजब गजब पक्ष को दर्शाती है। कहते हैं कि दुनिया की सारी सभ्यताएं खत्म हो गई तो भारत का बचे रहना अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। ये दुनिया के तमाम पुरातत्व वक्ताओं को हैरान करने वाली बात है कि भारत की सभ्यता में कई चीजें ऐसी है जो दशकों या सदियों से नहीं बल्कि सहस्राब्दियों से जैसे चली आ रही है। यही सभ्यता की निरंतरता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? हमारा प्रयास रहता है कि हम आप तक नई और हटकर जानकारी उपलब्ध कराते रहें। आपने जनता दरबार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूले। जनता दरबार न्यूज में फिर आपसे मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। फिलहाल मुझे यानी पवन शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।